हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबते हुए बच्चे की जान बचाने चले आए स्वयं महादेव। उत्तराखंड में हरिद्वार नामक एक धार्मिक स्थल है, जहां पर गंगा मैया और अनेक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं। भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मैया स्वर्ग से उतरकर सबसे पहले हरिद्वार में आई थी, अतः इस स्थान का नाम पर गया गंगा द्वार। दोस्तों, यहां श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करने और उनसे आशीर्वाद लेने बहुत दूर दूर से आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूं, और यह घटना गंगा मैया और महादेव के चमत्कार के बारे में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सावन का तीसरा सोमवार था और हर प्रदेश के लोग हरिद्वार में गंगा नहाने जुटे हुए थे। उत्तर प्रदेश का एक परिवार जिसमें दो बच्चे, दो बड़े और एक बूढ़ा व्यक्ति भी था, परिवार गंगा नहाने हरिद्वार आया हुआ था। उन्होंने पहले पूरे हरिद्वार में घूमकर जगह जगह स्थित महादेव के मंदिर के दर्शन किए। महादेव के मंदिर के दर्शन करते वक्त उस परिवार में से एक छोटा बच्चा वहाँ खो गया, और वह बच्चा खेलते खेलते एक साधु बाबा के पास जाकर बैठ गया, जो उस मंदिर में बैठकर अपना ध्यान लगा रहे थे। उन साधु बाबा ने एक छोटे से बच्चे को देखा और देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह छोटा सा बच्चा वहां बैठकर मिट्टी से भगवान शिव के शिवलिंग बना रहा था, और उनकी शिवलिंग पर फूल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। छोटे से बच्चे को देखकर वह साधु बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में उस बच्चे का परिवार उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा, और उन्होंने देखा कि वह बच्चा किसी के पैर छू रहा है। वह लोग उससे पूछते हैं कि तुम किसके पैर छू रहे हो। बच्चा बोलता है कि साधु बाबा का, पर घर वालों को वहाँ कोई साधु बाबा नहीं दिखते। घर वालों को लगता है कि हो सकता है छोटा बच्चा अभी नादान हो। लोग उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वह लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। इस बच्चे की माँ को बोलते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा, और एक एक करके सारे बड़े लोग स्नान करने के लिए नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते वक्त गलती से हड़बड़ी में बच्चा का हाथ छूट जाता है, और वह बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह बच्चा भीड़ का हिस्सा होते हुए गंगा में चला जाता है और डूबने लगता है। पूरे घर वाले मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मौजूद भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यह किसका बच्चा है। घर वाले जब उसको देखते हैं, बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उनका ही होता है। तभी उनमें से एक जवान आदमी उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर बच्चा दूर चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक साधु बाबा उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर पानी से बाहर ला रहे होते हैं। वह लोग साधु बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस उम्र में भी इस बच्चे की जान बचाई। थोड़ी देर बाद जब बच्चा होश में आता है और उन साधु बाबा को जो बोलता है वह सुनकर वहाँ पर खड़े सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वह बच्चा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। बच्चा थोड़ी देर बाद जब पूरे होश में आता है तो वह बताता है कि यह वही साधु बाबा है जिनका मैं मंदिर में पैर छू रहा था। ये साधु बाबा कोई आम साधु बाबा नहीं, मुझे यह साधु बाबा शिवजी के रूप में नजर आ रहे हैं। वो साधु बाबा बच्चे को आशीर्वाद देकर अचानक ही गायब हो जाते हैं। वहाँ खड़े लोग उन साधु बाबा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वह साधु बाबा कभी किसी को नजर नहीं आते। दोस्तों, वह बाबा कोई और नहीं बल्कि साधु के रूप में स्वयं महादेव होते हैं। ठीक कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनका मन साफ होता है, जिसके कारण सिर्फ उन्हें ही भगवान नजर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।